नेक्स्ट इस क्लास में कॉमास का यूज़ पढ़ेंगे। कॉमास का यूज़ कब होता है, किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है और कितने यूजेज हैं कॉमा के। अब देखिए, ये आपका वही बुक है, द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन। इसका यूनिट नंबर 2, ये यूनिट नंबर 2 है आपका। कॉमास का यूज़ है आपका, कॉमाज यूज, कॉमाज। देखिए स्टार्ट करते हैं। कॉमाज एंड पीरियड्स आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क्स। कॉमा का और पीरियड्स यानी फुल स्टॉप का ज़्यादातर यूज होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली पंक्चुएशन मार्क्स हैं आपके। और कॉमाज कस्टमरली इंडिकेट्स अ ब्रीफ पॉज एंड दे आर नॉट एज फाइनल एज पीरियड्स। अब कॉमास का यूज़ क्यों होता है कि थोड़ा सा ब्रीफ, यानी अगर थोड़ा सा आपको थोड़ा रुकना है, पॉज लेना है, तो कॉमा का यूज़ करेंगे। लेकिन दे आर नॉट एज फाइनल एज पीरियड्स, लेकिन फुल स्टॉप का यूज़ फाइनल मीन्स जब सेंटेंस आपका पूरा कंप्लीट हो उसके बाद यूज़ करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, यूज कॉमास टू सेपरेट वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप्स इन अ सिंपल सीरीज ऑफ 3 और मोर आइटम्स। तो इन्होंने बोला है कि कॉमा का यूज करेंगे जब चीज़ों को सेपरेट करना हो, किसी भी सीरीज में कोई आइटम, अगर कोई लिस्टेड आइटम है आपके, तो उनको अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हम कॉमास का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल इन्होंने दिया, देखिए, माई स्टेट गोज टू माई हस्बैंड, जो मेरी संपत्ति है वो मेरे हस्बैंड को जाएगी, ठीक है, और सन को जाएगी, डॉटर इन लॉ को जाएगी और नेफ्यू को जाएगी। तो ये अब इन्होंने कुछ नेम मेंशन किए, माई हस्बैंड हो गया आपका एक, माई हस्बैंड हो गया, सन हो गया आपका, डॉटर हो गया आपका, डॉटर इन लॉ हो गया और नेफ्यू हो गया। तो इनको सेपरेट करने के लिए आपका कॉमा का यूज़ है। देखिए हस्बैंड के बाद कॉमा का यूज़ हुआ है, क्योंकि यदि किसी भी सीरीज के कोई भी आइटम या नेम हो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे। तो लास्ट वन के पहले एंड का यूज़ करेंगे और बाकी जो कॉमाज आपके यूज़ हैं सेपरेट करने के लिए वो एंड का ही काम करेंगे आपका, जैसे एंड सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो इनका पहला ये पॉइंट है आपका रूल नंबर 1। अब नेक्स्ट है आपका ये रूल नंबर, इन्होंने कुछ नोट करके दिया है, उन्होंने बोला है कि नोट देखिए, व्हेन द लास्ट कॉमा इन अ सीरीज कम्स बिफोर और यानी या तो एंड के पहले आए, या किसी सीरीज में एंड के पहले या और के पहले अगर कॉमा आता है, जैसे कि फादर इन लॉ ऊपर जो सेंटेंस आपका दिया हुआ था उसमें आ रहा है, तो ये जो कॉमा है आपका इट इज़ नोन एज अ ऑक्सफोर्ड कॉमा के नेम से जाना जाता है, यानी इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या होता है, किसी भी सीरीज के आइटम के लास्ट वर्ड से पहले, लास्ट वर्ड जो आपका है, जो लास्ट वर्ड तो एंड यूज़ होगा, उसके पहले जो आपका कॉमा यूज़ होता है उसे ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं। लेकिन मोस्ट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ड्रॉप द ऑक्सफोर्ड कॉमा इन अ सिंपल सीरीज, कोई सिंपल सीरीज में कुछ न्यूज़पेपर और मैगजीन वाले इसको ड्रॉप कर देते हैं, यानी यूज़ नहीं करते, अपरेंटली फीलिंग इट इज़ अननेसेसरी, वो ऐसा मानते हैं कि ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन यद्यपि ओमिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड कॉमा कैन समटाइम्स लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपकी, अगर आपने प्रॉपर उसका यूज़ नहीं किया है, आपने रिमूव कर दिया उसको। एग्जांपल देखिए, जैसे इन्होंने यहाँ एक एग्जांपल देके बताया कि अगर ऑक्सफोर्ड कॉमा का अपन यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या कन्फ्यूज़न होगी। देखिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल है वी हैड कॉफ़ी, यानी हम लोगों ने कॉफ़ी पी, और चीज़ यानी पनीर खाया, और क्रैकर्स खाए कुछ, और ग्रेप्स खाए, तो ये आइटम्स आपने खाया।
तो आप देखिए इन्होंने क्या कहा कि अगर हम एंड से पहले यहाँ का कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है, यानी क्रैकर्स के बाद और एंड के पहले ही कॉमा का यूज़ इन्होंने नहीं किया, तो क्या कन्फ्यूजन है? देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एडिंग अ कॉमा आफ्टर क्रैकर्स मेक्स इट क्लियर दैट चीज़ एंड क्रैकर्स रिप्रेजेंट वन डिश। इन्होंने बोला है कि अगर हम कॉमा का यूज़ करते हैं क्रैकर्स के बाद, तो ये क्लियर हो जाता है कि चीज़ और क्रैकर्स एक ही डिश है कोई। यानी अगर हम यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं, देखिए इधर इन्होंने बोला है कि अगर हम चीज़ और क्रैकर्स के बाद अगर यह हम कॉमा का यूज़ कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड है आपका चीज़ एंड क्रैकर्स, तो ये एक ही कोई डिश है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ब्रेड एंड बटर एक ही डिश है, तो बेशक एंड लगा हुआ है उसमें, लेकिन आपका डिश एक ही है। वो नेम आपके चीज़ एंड ये दो नाम अलग अलग हैं, लेकिन एक ही किसी आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम यहाँ पर कॉमा का यूज़ कर देते हैं, तो इसे ये क्लियर हो जाता है कि ये आइटम एक ही है। अगर हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसमें थोड़ा ये कन्फ्यूजन है कि ये कॉफ़ी अलग है और चीज़ आपने अलग खाई, और क्रैकर्स आपने अलग लिए और ग्रेप्स आपने अलग खाए, और अगर आपने ये दोनों चीज़ के बाद कॉमा का यूज़ कर दिया, तो क्लियर हो जाता है ये डिश एक ही है। क्लियर है? आप देखिए, इन केसेस लाइक दिस, ऐसे केसेस में क्लियरिटी डिमांड्स द ऑक्सफोर्ड कॉमा। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें ऑक्सफोर्ड कॉमा की ज़रूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी। देखिए इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखिए वी हैड कॉफ़ी, हमने कॉफ़ी पी, ठीक है कॉफ़ी होगी, उसके बाद कॉमा का यूज़ किया, फिर चीज़ एंड क्रैकर्स खाए, ठीक है। तो ये चीज़ एंड क्रैकर्स आपका है, ये एक ही डिश है आपका, फिर कॉमा का यूज़ कर दिया सेपरेट करने के, ठीक है। और लास्ट आपने ग्रेप्स खाए इन लोगों ने, और उसके पहले तो एंड आएगा ही आपका, लास्ट वन से पहले, उसके बाद सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज़ होगा। अब देखिए फिक्शन एंड नॉन फिक्शन जो बुक्स हैं आपकी, जर्नली प्रेफर क्या करती हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा का यूज़ ज़्यादा करती हैं वो, यानी उनको प्रेफर करती है ऑक्सफोर्ड कॉमा का यूज़ करती है। अब राइटर्स मस्ट डिसाइड ऑक्सफोर्ड और नो ऑक्सफोर्ड। अब राइटर को ये डिसाइड करना है कि हम कॉमा ऑक्सफोर्ड कॉमा का यूज़ करें कि नहीं करें, और नहीं तो वो कन्फ्यूजन आपकी बनी रहेगी आपकी, ठीक है, स्विच बैक एंड फोर्थ, वो कन्फ्यूजन एग्जिस्ट करती रहेगी, परेशान करती रहेगी। अब देखिए यदि हम, इन्होंने बोला है कि इस स्थिति में अगर हम कॉमा हटा देते हैं, यानी ओमिटिंग द कॉमा ऑक्सफोर्ड कॉमा कुड कॉज कन्फ्यूजन, तो उससे कन्फ्यूजन ही होगा। इससे बचने के लिए अब ये तो राइटर ही डिसाइड करेगा कि यूज़ करना है कि नहीं करना, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सफोर्ड कॉमा का यूज़ करेंगे। एज इन द चीज़ एंड क्रैकर्स, जैसे कि यहाँ चीज़ एंड क्रैकर्स के केस में हुआ है आपका। रूल नंबर टू देखिए, यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट टू एडजेक्टिव्स व्हेन द एडजेक्टिव्स आर इंटरचेंजेबल। यदि किसी नाउन के पहले दो एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है और वो इंटरचेंजेबल हैं, यानी आगे पीछे हो सकती हैं, आप स्ट्रॉन्ग को हेल्थी की जगह पर रख सकते हैं और हेल्दी की जगह पर स्ट्रॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं, अगर ऐसा हो सकता है आपका, तो आप कॉमा सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करें। और अगर वो इंटरचेंजेबल नहीं है आपकी, एक दूसरे की जगह नहीं आ सकती, तो आप कॉमा का यूज़ ना करें। यानी कहने का मतलब ये है कि उस समय आप कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए इधर इन्होंने बोला ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मैन, वह जो है एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी मैन है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, ये नाउन के पहले यूज़ हुआ है आपका, ये आपका नाउन है और दोनों एडजेक्टिव उसके पहले यूज़ हुई हैं, तो ये इंटरचेंजेबल हैं। स्ट्रॉन्ग की जगह हेल्दी आ सकता है, हेल्दी की जगह स्ट्रॉन्ग जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों एडजेक्टिव को सेपरेट करेंगे अपन कॉमा से। अब ये कैसे पता करेंगे कि जो है ये एडजेक्टिव चेंजेबल हैं यानी इंटरचेंजेबल हैं कि नहीं है? ये एडजेक्टिव ऑर्डर्स में आपको पता पड़ेंगे कि कौन सी एडजेक्टिव्स आपकी उसमें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, कि कौन सी टाइप की एडजेक्टिव नाउन के पहले जाएगी, उसके पहले ये सीक्वेंस दिया जाता है, उसमें आप पता करें कि ये इंटरचेंजेबल हैं कि नहीं है, तो वो एडजेक्टिव ऑर्डर में आपको पता करना चाहिए। तो एडजेक्टिव ऑर्डर का सेपरेट क्लास होगा आपका एडजेक्टिव, उसमें आप देख लें।
तो नेक्स्ट है आपका, वी कुड ऑल्सो से हेल्दी स्ट्रोंग मैन, हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी हेल्दी को पहले ले सकते हैं और स्ट्रोंग को बाद में। यानी पहले देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में स्ट्रोंग पहले था नाउन के और फिर हेल्दी बाद में था। अब इन्होंने हेल्दी पहले ले लिया, स्ट्रोंग बाद में ले लिया, और ये तो नाउन है ही आपका उसी जगह। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि इंटरचेंजेबल हो, तो आप दोनों के सेपरेट करने के लिए, दोनों एडजेक्टिव को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, वी स्टेड एट एन एक्सपेंसिव समर रिजॉर्ट। अब यहाँ पर ये इंटरचेंजेबल नहीं है, एक्सपेंसिव और समर, ये जो आपकी एडजेक्टिव है ये इंटरचेंजेबल नहीं है। ये समर इधर यूज़ नहीं हो सकता आगे, और एक्सपेंसिव समर के बाद यूज़ नहीं हो सकती, और रिजॉर्ट आपका तो नाउन है ही है, तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है। तो अगर दो एडजेक्टिव नाउन के पहले अगर कोई दो एडजेक्टिव आ रही हो, अगर वो इंटरचेंजेबल नहीं हो, तो आप बीच में कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे दोनों को सेपरेट करने के लिए। देखिए, वी वुड नॉट से, हम ये नहीं कहेंगे, इन्होंने मना कर दिया है कि समर हम पहले नहीं ले सकते और एक्सपेंसिव बाद में नहीं यूज़ हो सकता आपका, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल नहीं है आपकी। अब रिजॉर्ट तो आपका है ही नाउन, तो इनके पहले अगर कोई दो एडजेक्टिव ऐसी आ रही हैं, दो एडजेक्टिव्स जो इंटरचेंजेबल नहीं है आपकी, तो आप इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ नहीं करें। एंड सो ऑन कॉमा, सो नो कॉमा, तो ऐसे ही आप जो है यहाँ कोई कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल है इनका, रूल नंबर थ्री, देखिए, मैनी इनएक्सपीरियंसड राइटर्स, यानी जिन्हें बिल्कुल अनुभव नहीं होता, जो मिस्टेक करते हैं इनका यूज़ में, रन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टुगेदर। कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी रूल नंबर थ्री ये कहता है कि अगर कोई दो सेंटेंस यानी या क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है आपके, तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं आपको और साथ में यूज़ हो रहे हैं, तो आप उन्हें कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों के बाद फुल स्टॉप का यूज़ होगा, वहाँ कॉमा यूज़ नहीं करोगे आप। तो देखिए उन्होंने क्या बोला है, मैनी इनएक्सपीरियंस राइटर्स रन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टुगेदर बाई यूजिंग अ कॉमा इंस्टेड ऑफ अ पीरियड। तो इनएक्सपीरियंस लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट जो आपका क्लॉज है वो किससे एंड कर देते हैं, कॉमा से, जबकि ये गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके फुल स्टॉप पर ही फिनिश होंगे, कॉमा से फिनिश नहीं होंगे। दिस रिजल्ट्स इन द ड्रेड नॉन रन सेंटेंस एंड मोर टेक्निकली अ कॉमा स्प्लाइस। तो इन्होंने ये बोला है कि फिर इसका ये मतलब होगा कि ये पूरा एक ही सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक ही सेंटेंस है, जबकि है नहीं है, क्योंकि ये आपका इंडिपेंडेंट अलग है क्लॉज और ये आपका क्लॉज इंडिपेंडेंट अलग है, लेकिन अगर आप कॉमा का यूज़ कर रहे हैं तो ये ऐसा लगेगा कि ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक एक ही है, जो कि गलत है आपका। तो ये कॉमा का गलत यूज़ होगा, कॉमा स्प्लाइस होगा, यानी कॉमा का गलत यूज़ होगा, कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज़ अपन कर रहे हैं और कॉमा का गलत यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये कॉमा का अगर गलत यूज़ होगा तो ये कॉमा स्प्लाइस कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम दिया है, अब इस सेंटेंस को लिखने के कई सारी रेमेडीज यानी सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस। अब करेक्ट इसमें देखिए, इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो आप फुल स्टॉप से फिनिश कीजिए दोनों को। ही वॉक्ड ऑल द वे होम, वह पूरे रास्ते घर पैदल गया। एंड ही शट द डोर, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो ये अलग सेंटेंस है आपका, अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यह आपका जो है इंडिपेंडेंट, यानी ये डिपेंडेंट क्लॉज है आपका, यानी ये वाला जो सेंटेंस है वो मेन सेंटेंस पर डिपेंड है आपका, तो उसको लास्ट में आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये आपका दो क्लॉजेज हो गए, वो भी इंडिपेंडेंट, फर्स्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो उसको तो सेपरेट करोगे कॉमा से। देखिए, आफ्टर ही वॉक्ड ऑल द वे, पूरे रास्ते पैदल चलने के बाद, ही शट द डोर, उसने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब पूरे रास्ते घर, यानी पूरे रास्ते घर के लिए पैदल चलने के बाद क्या हुआ भाई, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया।
तो ये आपका जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कॉमा से सेपरेट है, ठीक है। यहाँ तो सही यूज़ है आपका, यहाँ फुल स्टॉप का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वो डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर कोई इंडिपेंडेंट दोनों क्लॉज हो तो आप फुल स्टॉप पर दोनों फिनिश कीजिए। नेक्स्ट है आपका करेक्ट, ही वॉक्ड ऑल द वे होम एंड ही शट द डोर। अब एंड के बाद अगर कॉमा का यूज है, यहाँ पर एंड भी लगा हुआ है, तो एंड का मीन ये है कि ये एक्शन अलग हुआ है आपका पूरा कंप्लीट, और उसके बाद ये एक्शन कंप्लीट अलग हुआ है, तो ये भी आपका दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं क्योंकि कोई क्लॉज किसी पर डिपेंड नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। और इनको सेपरेट करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है आपका, तो एंड यूज़ कर दिया आपने लास्ट सेंटेंस के पहले और उसके बाद कॉमा के यूज़ करिए, तो ये भी करेक्ट है आपका। तो ये भी करेक्ट है और आपका ये भी करेक्ट है अगर आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो फुल स्टॉप पर फिनिश कीजिए दोनों को, सीधी बात है। रूल नंबर 3 क्या कहेगा कॉमा का यूज में, इन सेंटेंसेस वेयर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर जॉइंड बाय कनेक्टर्स, अगर सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस जहां दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, कंजक्शन जैसे एंड है, बट है, सो है आपका, क्लियर है, इससे अगर जुड़े हुए हों तो पुट अ कॉमा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्लॉज। अब जैसे ये आफ्टर है आपका, यहाँ देख लीजिए, जैसे ये आफ्टर ये वाला जो सेंटेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक, अगर ये सेंटेंस आपका बाद में जाए तो आप कॉमा का यूज़ नहीं करोगे क्योंकि फिर जो आफ्टर है आफ्टर वो ही सेपरेट कर रहा है दोनों सेंटेंसों को। तो इन्होंने यही बोला कि अगर आपका कोई भी इंडिपेंडेंट दो कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हो रहे हैं तो आप क्या करना कि लास्ट में ही फुल स्टॉप का यूज करना, पुट अ कॉमा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, हाँ फर्स्ट के पहले यूज करना, जैसे इन्होंने यहाँ यूज किया है जैसे इधर, तो इन्होंने ये क्लियर है आपका, तो क्या यूज़ किया उन्होंने कि इन्होंने फिर बोला है कि अगर कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ में यूज़ हो रहे हैं और कनेक्टर से जुड़े हुए हों आपके, तो कनेक्टर से जैसे एंड से जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस, देखिए यहाँ एंड से जुड़ा हुआ है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं आपका, एक ये हो गया और एक ये हो गया और दोनों एंड से सेपरेट हैं, तो आप फर्स्ट वन से पहले यानी लास्ट वन से पहले और एंड के और पहले कॉमा का यूज़ करें, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, कहने का मतलब है कॉमा का यूज़ करें सेपरेट करने के लिए, और अगर वो कनेक्टर से जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट वन के पहले आप फर्स्ट वन के बाद जो फर्स्ट आपका जो क्लॉज है उसके बाद कॉमा का यूज़ करें, क्लियर है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, सम राइटर्स ओमिट द कॉमा इफ द क्लॉजेज आर बोथ क्वाइट शॉर्ट, लेकिन अब देखिए बेशक आपके जो है इंडिपेंडेंट आपके सेंटेंस हों दो, ठीक है, आइडियाज अलग अलग हों कोई एक किसी के बारे में या किसी और के बारे में, अगर वो सेंटेंस आपका बहुत ही क्वाइट शॉर्ट है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, उसमें ऑब्जेक्ट वगैरह या एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम शो नहीं हो रहा है, केवल वर्ब आपकी यूज़ है, तो ये शॉर्ट सेंटेंस हो गए, तो यहाँ पर आप कॉमा का सेपरेट यूज़ करें पहले के बाद और ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसी कंडीशन में हो सकता है जब आपका सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो, तो यहाँ इन्होंने देखिए, या इन्होंने आई पेंट, मैं पेंट करता हूँ और वह जो है राइट करता है यानी वो लिखता है, राइटर है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है बहुत ही शॉर्ट है आपका, ये अलग है, वह राइट करता है और मैं पेंट करता हूँ, तो यहाँ पर आप कॉमा का यूज़ करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समटाइम्स ओमिट द कॉमा इफ़ द क्लॉजेज आर बोथ क्वाइट शॉर्ट, तो कुछ राइटर आपके ये रिमूव कर देते हैं, कॉमा को हटा देते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं अगर ऐसा कोई रूल्स है तो। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 3C, इफ द सब्जेक्ट डज नॉट अपीयर इन फ्रंट ऑफ द सेकेंड वर्ब अ कॉमा इज जर्नली अननेसेसरी, कहने का इनका ये मतलब है कि अगर एक ही सब्जेक्ट को लेकर दो वर्ब से कोई सेंटेंस बने हुए हैं आपके, जैसे देखिए ही थॉट क्विकली, उसने जल्दी सोचा, बट स्टिल डिड नॉट आंसर करेक्टली,
तो यहाँ पर यहाँ आपका ही होना चाहिए, यानी ये। लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये दोनों एक्शन एक ही सब्जेक्ट से रेफर हो रहे हैं आपके। तो यहाँ ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, बेशक आपका कनेक्टर लगा हुआ हो, एंड भी लगा हुआ हो, अगर दोनों वर्ब आपकी जो एंड के बाद वर्ब से स्टार्ट हो रहा है आपका कोई फ्रेज या सेंटेंस, और ये डायरेक्ट फर्स्ट तो सेंटेंस ही सब्जेक्ट से यूज़ हो गई, आपका स्टार्ट हो गई, और दूसरा आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो सेकंड वाला जो कंजक्शन के बाद यूज है, यानी कनेक्टर के बाद जो यूज है सेंटेंस, वो फर्स्ट सेंटेंस ही उसका सब्जेक्ट है, तो आप क्या करना कि उसमें आप कॉमा जर्नली अननेसेसरी, यानी कॉमा आप यूज यहाँ नहीं करेंगे। इन्होंने बोला है कि अब कॉमा इज जर्नली अननेसेसरी, आप कॉमा का यूज नहीं करें यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, ही थॉट क्वाइटली और स्टिल डिड नॉट आंसर करेक्टली। तो यहाँ जो बट है आपका यूज है, बट कंजक्शन, जिससे ये दोनों सेंटेंस आइडियाज कनेक्ट हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक ही आपका दोनों आइडियाज का, तो हम बट के पहले जैसे यहाँ यूज किया था इन्होंने, ये कॉमा का यूज किया था, क्योंकि सेंटेंस आपके सब्जेक्ट मेंशन है आपका इधर भी और इधर भी, तो जब सेंटेंस यानी सब्जेक्ट मेंशन हो दोनों में तो कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो, तो कॉमा से सेपरेट कीजिए, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ ही नहीं होता तो आप ये कॉमा हटा देते, तो कॉमा यूज नहीं करना आपको, क्लियर है आपका। तो यहाँ कॉमा यूज नहीं होगा, अननेसेसरी होगा। अब रूल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, यूज अ कॉमा आफ्टर सर्टेन वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस सच एज वेल, यस, व्हाई, हेलो, हे, एक्सेट्रा। अगर हाँ तो कॉमा का यूज कीजिए, कुछ सर्टेन आपके वर्ड्स हैं, जैसे कोई सेंटेंस आपका वेल से स्टार्ट होता है, जैसे वेल, यस, व्हाई, हेलो, हाय, हे, तो इससे अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है तो आप उस वर्ड या फ्रेज के बाद आप कॉमा का यूज करें। एग्जांपल देखिए, व्हाई आई कांट बिलीव दिस। अब एक्चुअल में है क्या है कि ये जो वर्ड हैं आपको वो पूरे किसी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूज अ कॉमा आफ्टर अ सर्टेन वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस, क्योंकि ये सिंगल जो आपके वर्ड हैं वो किसी सेंटेंस यानी किसी सेंस पूरा किसी वाक्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे देखो, इन्होंने एग्जांपल दिया है, व्हाई आई कांट बिलीव दिस, तो किसी ने कहा होगा कि बिलीव दिस, इस पर विश्वास कीजिए, तो उसने व्हाई से ये सेंटेंस आपका आगे कहा है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, क्यों? तो क्यों का यहाँ मीन है आपका कि व्हाई डू आई बिलीव दिस, मैं क्यों इस पर विश्वास करूं, आई कांट बिलीव दिस, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, तो यहाँ वाई का मीन है, वाई डू आई बिलीव दिस, तो ये वाई जो है पूरे होल सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इन्होंने बोला है कि वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस, किसी पूरे आइडिया को इंट्रोड्यूस करे, तो आप क्या करें उस वर्ड को कॉमा से सेपरेट करें, उसके बाद अगर कोई सेंटेंस है आपका, जैसे नो, किसी ने कुछ कहा होगा, ठीक है, यू कांट हैव अ डॉलर, नहीं बिल्कुल आप डॉलर नहीं रख सकते, ये किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा होगा कि भाई किसी ने मांगा होगा कि मुझे डॉलर चाहिए, तो यू कांट हैव अ डॉलर, आप डॉलर नहीं रख सकते। नो, हो सकता है कि किसी पेरेंट ने बच्चे से बोला होगा, नहीं बेटा आप डॉलर नहीं रख सकते आप, तो नो। तो ये नो आपका किसी स्टेटमेंट या बच्चे ने पूछा होगा, किसी व्यक्ति ने पूछा होगा कि मैं डॉलर रख लूँ, तो नहीं आप नहीं रख सकते, तो यू कांट हैव अ डॉलर, क्लियर है आपका। तो आप कॉमा से सेपरेट करें उसको। अब रूल नंबर 4 देखिए, यूज कॉमास टू सेट ऑफ एक्सप्रेशंस दैट इंटरप्ट द सेंटेंस फ्लो। अब कॉमा का यूज कीजिए, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो सेंटेंस के फ्लो को क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, यानी कुछ इंटरप्शन के लिए कुछ सेंटेंस या कुछ वर्ड आपके यूज किए जाते हैं या फ्रेज यूज किए जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। देखो जैसे वो कौन से आपके वर्ड्स हैं या फ्रेजेज हैं, काफ़ी हैं, तो इन्होंने कुछ दिए हैं, नेवर द लेस, आफ्टर ऑल, वाई द वे,
ऑन द अदर हैंड हाउएवर, तो ये आपके कुछ फ्रीजेज हैं जो इंटरप्शन को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया है, इन्होंने बोला तो ये है कि मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा नर्वस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, तो आई एम वेरी नर्वस। अब इन्होंने जो है कोई चीज़ को लेकर ये नर्वस होंगे, लेकिन वो इस वेरी नर्वस को बीच में इंटरप्ट किया वाई द वे, यानी ये पूरा सेंटेंस कहने के लिए उन्होंने थोड़ा सा हेजिटेट हुई। एग्जांपल, आई एम वाई द वे वेरी नर्वस अबाउट दिस। तो यहाँ जो उन्होंने ये बोला है कि आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस, उसको इंटरप्ट किस इस वर्ड ने किया आपका वाई द वे ने। तो अगर ऐसे वर्ड इंटरप्शन शो करें, हेजिटेशन शो करें, उस समय यूज़ किए जाते हैं, तो आप कॉमा से उसको एनक्लोज करें, यानी आप जो है कॉमा से सेपरेट करें उसको। देखिए ये सेपरेट है, अगर ये लास्ट में आता तो भी सेपरेट होता कॉमा से, स्टार्टिंग में आता तो भी होता, बीच में आ रहा है तो दोनों तरफ सेपरेट है ही आपका, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिए रूल नंबर 5 क्या कह रहा है। रूल नंबर 5 इन्होंने बोला है कि यूज़ कॉमास टू सेट ऑफ नेम, निक नेम, टर्म टर्म ऑफ इंडरमेंट, इंडियरमेंट और टाइटल ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली एड्रेस्ड। तो इन्होंने बोला है कि कॉमा का आप यूज़ करें जब आप किसी नेम या निक नेम या टर्म ऑफ इंडरमेंट और या कोई टाइटल ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली एड्रेस किया जाए, यानी किसी पर्सन को डायरेक्टली किसी भी वर्ड से एड्रेस किया जाए या एज अ टाइटल, तो आप क्या करना कि उसको सेपरेट आप किससे करोगे, कॉमा से सेपरेट करोगे आप। और अगर वो सेंटेंस में बीच में यूज़ हो रहा है आपका वो वर्ड आपका, तो एनक्लोज करोगे आप। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, विल यू ऐशा डू दिस असाइनमेंट फॉर मी। अब यहाँ देखो, वैसे ऐशा कहना ज़रूरी नहीं था इनका, लेकिन उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, कोई नेम यूज़ किया हो या निक नेम यूज़ किया हो या टर्म ऑफ इंडियरमेंट यूज़ किया हो। इन अब देखिए इंडियरमेंट क्या होता है, इंडियरमेंट मतलब ये होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को आप फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ लव या आप अफेक्शन को यूज़ करते हुए कोई वर्ड यूज़ करते हो, जैसे माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, माय लव, तो वो आपका टर्म ऑफ इंडियरमेंट होता है आपका, क्लियर है। यानी ऐसे वर्ड जो लव को शो करें या कोई अफेक्शन को शो करें, तो वो इंडियरमेंट होगा आपका, टर्म ऑफ इंडियरमेंट। जैसे गुड बाय स्वीट हर्ट, तो अगर हम यहाँ ये यूज़ करते गुड बाय स्वीट हर्ट, तो गुड बाय के बाद कॉमा लगाकर स्वीट हर्ट यूज़ होता। स्वीट हर्ट का मीन है कि सामने वाले को आप थोड़ा सा ऐसा यूज़ करना है, शो ऑफ लव और अफेक्शन। वैसे ही आपका कोई भी नेम हो, निक नेम हो, ठीक है, और ये टर्म ऑफ इंडियरमेंट हो ही गया, द टाइटल ऑफ अ पर्सन, या किसी पर्सन को हम किसी टाइटल से एड्रेस कर दें, तो इनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगर बीच में आ रहा हो तो दोनों तरफ कॉमा का यूज़ करोगे सेपरेट करने के लिए, क्योंकि इधर भी आपका कुछ वर्ड है, इधर भी कुछ वर्ड्स हैं आपके, तो एनक्लोज करोगे बीच में अगर आ रहा हो तो, और लास्ट में यूज़ हो रहा हो आपका तो आप कॉमा से ही सेपरेट कर दोगे। जैसे यान उन्होंने यूज़ किया है कैप्टन को, गुड डे कैप्टन, तो ये टाइटल ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली एड्रेस हो गया, कोई टाइटल हो गया। अब यस ओल्ड फ्रेंड आई विल, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट वाले में देखिए, अब विल यू डू दैट असाइनमेंट फॉर मी, अब लास्ट में अगर ये यूज़ करती है यहाँ पर, ठीक है ऐशा, तो क्या आप मेरे लिए वो असाइनमेंट करोगे, वो काम करोगे ना मेरे लिए। तो इसमें अगर बीच में यूज़ हो रहा है ऐशा, तो आप कॉमा से सेपरेट करें दोनों तरफ, अगर लास्ट में यूज़ हो रहा है तो उसके पहले कॉमा से सेपरेट करें, क्लियर है आपका। ऐसा नहीं कि यहाँ ही कॉमा लगा दिया आपने, इस जगह ही कॉमा लगा दिया, नहीं, वो दोनों जगह कॉमा यूज़ होगा, दोनों जगह होगा, यहाँ पर ये भी होगा और इधर भी होगा कॉमा, ये अगर बीच में आ रहा है तो। और अगर ये लास्ट में आ रहा है जैसे कैप्टन आ रहा है, तो
एक ही तरफ हो गया कि आगे कुछ वर्ड्स ही नहीं है, फुल स्टॉप ही आना है आपका, और बीच में आ रहा है जैसे ओल्ड फ्रेंड, तो यहाँ भी यूज़ हो गया आपका दोनों तरफ, क्लियर है। अब रूल नंबर सिक्स देखिए, रूल नंबर सिक्स में इन्होंने क्या बोला है कि यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर एंड व्हाट मोस्ट पीपल फॉरगेट, ऑलवेज पुट वन आफ्टर द ईयर ऑल्सो। उन्होंने बोला है कि कॉमा का यूज़ करें सेपरेट करने के लिए दिन को, द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर, अगर ईयर के पहले या ईयर और डे साथ साथ में है आप, तो डे को ईयर से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करेंगे, क्लियर। लेकिन मंथ को ईयर से सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर तो कॉमा का अनदर यूज़ क्या है आपका, अगर ये डे है आपका 5th जून, तो 5th आपका डे है, ठीक है, या ईयर दी गई है आपकी, तो ये जो डे है आपका और ईयर है June 5, 2003, तो यहाँ पर आपको डे को और ईयर को सेपरेट करना है तो कॉमा का यूज़ होगा, ध्यान रखना। देखिए यहाँ कॉमा का यूज़ है आपका, ये कॉमा यूज़ है आपका, ये कॉमा है आपका यूज़, क्योंकि ये ईयर है और ये आपका डे है, ये मंथ है आपका, तो ईयर और डे को सेपरेट कॉमा से करेंगे। हाँ, अगर 5 जून 2003 होता आपका, तो हम मंथ और ईयर को सेपरेट नहीं करते। देखिए, नो कॉमा इज नेसेसरी फॉर जस्ट द मंथ एंड द ईयर एंड ईयर। एग्जांपल, इट वाज इन अ जून 2003, तो यहाँ मंथ है आपका और ईयर है आर्टिकल, तो यहाँ कॉमा यूज़ नहीं होगा आपका, मंथ और ईयर को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ नहीं होगा, इन्होंने यहाँ ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं ये, यहाँ क्लियर हो गया, डे को ईयर से सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करना, मंथ को अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं मंथ और डेट, वो सॉरी ईयर और मंथ, तो कॉमा यूज़ नहीं होगा सेपरेट करने के लिए। रूल नंबर 7 देखिए, रूल्स, यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ सिटी फ्रॉम इट्स स्टेट एंड रिमेंबर टू पुट वन आफ्टर स्टेट ऑल्सो। तो इन्होंने ये बोला है कि कॉमा का यूज़ कर कीजिए स्टेट से सिटी को सेपरेट करने के लिए, और ध्यान रखिए कि हम पुट वन आफ्टर द स्टेट, और हम स्टेट के बाद भी आपका कॉमा यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज होगा आपका, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि आई एम फ्रॉम अक्रोन ओहियो एरिया, तो दोनों तरफ आप क्या कॉमा का यूज करेंगे, आई एम फ्रॉम अक्रोन ओहियो एरिया, तो अगर ओहियो के बाद अगर कोई वर्ड आ रहे हैं आपके तो आप दोनों तरफ कॉमा का यूज कर दें। जैसे इधर देखिए एरिया आ रहा है आपका, और ये आपका सिटी है और ये आपका स्टेट है आपका, तो सिटी और स्टेट को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ हुआ। लास्ट में अगर कुछ वर्ड है आपका, अगर फिनिश ओहियो पर नहीं हो रहा है, अगर ओहियो पर फिनिश होता तो फुल स्टॉप आ ही जाता आपका, अगर नहीं हो रहा है कोई दूसरा वर्ड और भी आ रहे हैं आपके, तो फिर ओहियो के बाद भी आप कॉमा का यूज़ करेंगे। अगर ये एरिया नहीं होता तो यहाँ फुल स्टॉप यूज़ कर देते, फिर कॉमा का यूज़ नहीं होता आपका, क्लियर है आपका। यानी सिटी को स्टेट से सेपरेट कॉमा से करेंगे, क्लियर है। आगे देखिए रूल नंबर 8 में इन्होंने क्या बोला है कि ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पर क्या होता है कि इफ़ अ पर्सन्स नेम इज़ फॉलोड बाय सीनियर, अगर किसी पर्सन के नाम के बाद, एक परंपरा इंग्लिश में कोई रूल चला आया होगा कि अगर हम क्या करते किसी पर्सन के नेम के बाद सीनियर यानी उसका एब्रिविएशन फॉर्म और जूनियर का एब्रिविएशन फॉर्म यूज करेंगे, तो अ कॉमा फॉलोज द लास्ट नेम, तो लास्ट नेम के बाद हम कॉमा का यूज करेंगे। देखिए जैसे ये मार्टिन लूथर किंग है आपका, लूथर किंग, तो यहाँ इन्होंने क्या यूज़ किया है कि लास्ट नेम, तो लास्ट नेम आपका क्या हो गया, किंग, तो मार्टिन लूथर किंग, तो और उसके बाद आपका जूनियर लगा हुआ है, तो इन्होंने ये बोला है कि लास्ट नेम के बाद आप कॉमा का यूज़ करें अगर जूनियर लगा हुआ है तो,
या सीनियर लगा हुआ है तुम, किसी नाम के बाद जूनियर और सीनियर लगा हुआ है तो जो उसका नेम है तो लास्ट नेम के बाद कॉमा का यूज़ करेंगे। अगर ध्यान रखना, अगर आपका सीनियर जूनियर लगा हुआ है तो, अगर नहीं लगा हुआ है तो यूज़ नहीं होगा आपका कॉमा। अब दिस कॉमा इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड मैंडेटरी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इफ़ कॉमा डज प्रिसीड सीनियर और जूनियर, लेकिन कॉमा ज़रूर आएगा सीनियर जूनियर से पहले, अनदर कॉमा मस्ट फॉलो द एंटायर नेम व्हेन इट अपीयर्स मिड सेंटेंस। अगर ये नेम आपका मिड सेंटेंस में होता बाय चांस, अगर ये सेपरेट नहीं है, अगर मार्टिन लूथर किंग ही ओनली लिखा हुआ है जूनियर, तो आप यहाँ कॉमा यूज़ कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये मार्टिन लूथर किंग सेंटेंस के कहीं बीच में रखा हुआ है या यूज़ हुआ है, तो आप हमेशा सर यानी सीनियर को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि सेंटेंस के बीच में यूज़ है तो ये सीनियर को के पहले भी कॉमा आएगा, बाद में भी कॉमा आएगा। देखिए इन्होंने एग्जांपल दिया है। अब जैसे ये सेंटेंस है आपका, थोड़ा नोटिस कीजिए, ये नेम है कोई एल मोनी सीनियर इज हियर, तो ये करेक्ट है आपका, क्योंकि सेंटेंस में बीच में यूज है, या तो यूज़ ना करें आप तो चल जाएगा आपका, ये भी करेक्ट है आपका, दोनों तरफ यूज करें फिर भी ठीक है आपका। लेकिन अगर आपने सीनियर के पहले ही कॉमा यूज़ किया है सेंटेंस के, अगर ये मिड में आ रहा है आपका, ये कोई नाम जो फिनिश हो रहा है सीनियर और जूनियर पर, और सेंटेंस के बीच में आ रहा है यानी इसके बाद भी कुछ वर्ड्स हैं आपके, तो आप या तो दोनों तरफ सीनियर जूनियर के एनक्लोज मत कीजिए इसको, यानी कॉमा से क्लोज मत कीजिए इसको, एनक्लोज मत कीजिए, यानी दोनों तरफ आप कॉमा यूज़ मत कीजिए, और यदि आप कर रहे हैं तो दोनों तरफ कीजिए, या तो आप बिल्कुल मत कीजिए, और ये आप कर रहे हैं दोनों तरफ कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीनियर के पहले यूज़ कर दोगे। ये रूल कब होता है, जब ये वर्ड ना आए आपके तो ये सही है आपका, लेकिन अगर आपके यहाँ ये वर्ड्स आ रहे हैं आपके कुछ सेंटेंस में बीच में यूज़ हो रहा है, तो आप दोनों तरफ कॉमा यूज़ करें और या ना करें, बिल्कुल क्लियर है आपका। नेक्स्ट रूल नंबर 9 देखिए। इसी प्रकार आपका कोई भी नेम, किसी भी टाइटल या आपका डेजिग्नेशन पर फिनिश होता है MD, तो वही सेम रूल है कि अगर वो बीच में आ रहा है आपका, मिड में आ रहा है, तो ये जो एब्रिविएशन है आपका वो दोनों तरफ कॉमा से एनक्लोज होगा, क्लियर है। और अगर ये नहीं होता आपका तो आप ये यूज़ करो या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वाला, क्योंकि यहाँ तक तो सेंटेंस फिनिश ही हो जाएगा यहाँ तक MD पर, तो ये केवल इधर इतना ही होता है MD तक, हाल मोनी MD, तो कॉमा यूज़ करो या ना करो कोई बात नहीं, यूज़ कर भी तो भी सही, नहीं करो तो भी सही है अब। लेकिन उसके बाद MD के बाद भी कुछ वर्ड है यानी वो बीच में आ रहा है, तो दोनों तरफ कॉमा यूज़ करें आप, या तो नहीं करें। रूल नंबर 10 देखिए। When starting a sentence with a dependent clause, तो use a comma after it। इन्होंने बोला है कि यदि कोई सेंटेंस आपका डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसके बाद कॉमा का यूज़ करें, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है और मेन क्लॉज आपका बाद में आ रहा है तो वो तो कॉमा से सेपरेट होगा ही, क्लियर है वो तो, क्योंकि नहीं सेंटेंस सेपरेशन कैसे दिखाएगा, तो वो कॉमा का यूज़ होगा, ये तो सिंपल सी बात है। अगर ये इधर आता आपका और ये आपका स्टार्टिंग में होता तो इफ़ इन दोनों सेंटेंस को सेपरेट कर देता तो कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इन्होंने बोला है। लेकिन अक्सर क्या होता है, एक कॉमा अननेसेसरी होता है जब सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉलोड बाई डिपेंडेंट क्लॉज, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका पहले आए और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आए, क्लियर है,
तो आप कॉमा यूज़ नहीं करेंगे फर्स्ट वन के बाद, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आप कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। यदि डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आए और इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आए, और इसमें इस केस में क्या था कि डिपेंडेंट क्लॉज अगर आपका पहले आ रहा है और इंडिपेंडेंट बाद में आ रहा है तो आप कॉमा का यूज़ करें, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आप रूल नंबर 11 देखिए, यूज़ कॉमास टू सेट ऑफ नॉन इसेंशियल वर्ड्स। नॉन इसेंशियल वर्ड्स क्या होते हैं एंड क्लॉजेज क्या होते हैं एंड फ्रेजेज क्या होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो केवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लॉज कह लीजिए या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या आइडेंटिफाइंग क्लॉज या वर्ड्स या फ्रेजेज कह लीजिए, और या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लॉज वर्ड्स या फ्रेजेस कह लीजिए, बात एक ही है, या इन्होंने यहाँ नॉन इसेंशियल वर्ड्स कह के रिप्रेजेंट किया है इन, ठीक है, इन लोग फ्रेजों को और वर्ड्स को या क्लॉज को। तो कहने का मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी हम उस व्यक्ति के बारे में पहले से ही जानते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब जैसे जिल है तो इन्होंने ये बोला कि अगर अन इसेंशियल वर्ड्स आपके यूज होते हैं तो उसको कॉमा से सेपरेट करें। अब ये रूल नंबर 2B में देखिए, वो आगे देखेंगे भाई, तो पहले यहाँ क्लियर हो जाएगी। देखिए इनकरेक्ट है आपका ये सेंटेंस, इनकरेक्ट कैसे है क्योंकि ये जिल है आपका, जिसे हम ऑलरेडी जानते ही हैं, जिल कोई व्यक्ति है, नाम जानते होंगे, उस व्यक्ति को जानते होंगे तभी तो उसका नाम पता है, ठीक है, जिल हम जानते हैं। तो हु इज़ माई सिस्टर, जो मेरी बहन है, तो ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि जिल मेरी बहन ही है, तो ये अननेसेसरी आपका नॉन इसेंशियल आपके वर्ड्स हैं। या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह लीजिए कि हम जिल के बारे में थोड़ा और बता रहे हैं कि जो जिल वो लड़की है वो मेरी सिस्टर है, शट द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया था, तो क्लियर है, हम केवल इतना ही बोल सकते थे कि जिल शट द डोर, लेकिन ये नॉन इसेंशियल वर्ड आपके यूज़ हैं। तो अगर किसी कोई नॉन इसेंशियल क्लॉज या आपका फ्रेज या आपका वर्ड यूज़ हो रहा है तो कॉमा से सेपरेट नहीं होगा, कॉमा से सेपरेट होगा आपका। जैसे देखिए ये करेक्ट है आपका, ये कॉमा से सेपरेट है, देखिए ये कॉमा है और ये कॉमा है, तो ये आपका एनक्लोज है, तो ये पूरा आपका जो क्लॉज है आपका वो कॉमा से एनक्लोज्ड है, यानी इधर भी कॉमा यूज़ है और स्टार्टिंग में और लास्ट में भी कॉमा यूज है, ठीक है। नॉन इसेंशियल वर्ड्स को, क्लॉजेज को या फ्रेजेज को हम कॉमा से एनक्लोज करेंगे, ध्यान रखना। इनकरेक्ट आपका ये भी है, देखिए द मैन नोइंग इट वॉज लेट हरिड होम, यानी वो व्यक्ति जिसको पता था कि मैं लेट हो रहा हूँ, ये जानते हुए वो जल्दी घर चला गया, यानी वो व्यक्ति ये जानते हुए कि मैं लेट हो गया हूँ या लेट था उस पर, और वो घर जल्दी चला गया या घर चला गया, करेक्ट क्या होगा, क्योंकि वो व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी द मैन, द का मतलब ही करेक्ट है, द का मतलब यानी वो व्यक्ति जो लेट हो रहा था, ठीक है, वो जल्दी चला गया, तो हम उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है नोइंग इट वॉज लेट, तो नॉन इसेंशियल आपका ये फ्रेज है आपका, क्लियर है। तो ये सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा का यूज़ पड़ेगा, तो कॉमा यूज़ है इनमें, ये करेक्ट है आपका, क्लियर है आपका, द मैन नोइंग इट वॉज लेट हरिड होम। अब आगे देखिए, इन द प्रिसीडिंग एग्जाम्पल्स, यानी ये पहले वाली जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये ऊपर जो इधर वाली जो एग्जाम्पल है, ये जो प्रिसीडिंग एग्जाम्पल्स हैं आपके, तो उनके बारे में उन्होंने नोट बोला है कि द कॉमा आफ्टर सिस्टर, यानी सिस्टर के बाद आपका कॉमा, यानी ये, और लेट के बाद आपका कॉमा ये, नॉन इसेंशियल वर्ड्स क्लॉजेज फ्रेजेज दैट अकर मिस मिड सेंटेंसेस, ये बीच में आ रहे हैं आपके, ये कहाँ आ रहे हैं आपके, नॉन इसेंशियल जो वर्ड्स हैं, क्लॉजेज हैं, ये आपके बीच में आ रहे हैं, मिस सेंटेंस में आ रहे हैं, तो मस्ट बी अनक्लोज्ड बाई कॉमा, तो कॉमा से अनक्लोज होंगे, यानी दोनों तरफ कॉमा का यूज़ होगा अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, बीच में अगर लास्ट में आ रहे होते तो एक ही कॉमा से सेपरेट हो जाती है, और अगर बीच में आ रहे तो दोनों तरफ कॉमा यूज़ होगा, जबकि वो बीच में, फिर भी वो बीच में आ जाएगा, अनक्लोज हो जाएगा आपका।
द क्लोजिंग कॉमा इज कॉल्ड अपोजिटिव कॉमा, इसे अपोजिटिव कॉमा बोलते हैं। यानी किसी फ्रेज, किसी क्लॉज या किसी वर्ड को कॉमा अगर एनक्लोज करे तो अपोजिटिव कॉमा बोलते हैं उसको। अपोजिटिव कॉमा यूज़ कीजिए इस फ्रेज के लिए, तो दोनों तरफ आप स्टार्टिंग में और लास्ट में कॉमा यूज़ कर देंगे। लेकिन मैनी राइटर्स फॉरगेट टू ऐड दिस इम्पॉर्टेंट कॉमा, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो इस कॉमा को यूज़ करना भूल जाते हैं। एंड फॉलोइंग आर टू इंस्टेंसेस ऑफ द नीड फॉर अपोजिटिव कॉमा विद वन और मोर नाउंस। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि नीचे जो आपके कुछ सेंटेंस भी दिए गए हैं उसमें क्या कन्फ्यूजन होती है, तो वो देखिए कैसे यूज होंगे। सेपरेट करने के लिए कोई भी नेम हो आपका, उसको से अगर वो मिड में आ रहा है तो कॉमा को एनक्लोज करोगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि माय फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड ऑलरेडी हमें पता है वो मेरा दोस्त है, तो जो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर वो यूज़ हो भी रहा है तो दोनों तरफ कॉमा यूज़ करें फिर। फर्स्ट वन यानी नेम के पहले यूज़ नहीं करोगे, तो ये जो आपका जो है वो नेसेसरी आपका वर्ड नहीं है। क्योंकि माय बेस्ट फ्रेंड, आप ऑलरेडी जानते हो मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन, जो, तो जो कहने की ज़रूरत नहीं है। ये अन एसेंशियल आपका वर्ड है। तो आप यहाँ अगर यूज़ कर रहे हैं वो मिड में आ रहा हो आपका, तो दोनों तरफ कॉमा यूज़ होगा, यानी एनक्लोज होगा कॉमा से। ये आपका करेक्ट है क्योंकि कॉमा से ये एनक्लोज है आपका। क्लियर क्लियर है, ये आपका कॉमा से एनक्लोज हो गया जो। ये इनकरेक्ट है आपका। जैसे कोई आपकी सीरीज में कोई आइटम्स हैं आपके, तो देखिए द थ्री आइटम्स, अब थ्री आइटम्स, अ बुक, अ पेन एंड अ पेपर वर ऑन द टेबल, टेबल पर थे। यानी वो तीनों आइटम बुक, पेन और पेपर टेबल पर थे। तो यहाँ आप क्या हो गया आपका, ये लास्ट वाला जो है आपका, ये जितने भी आपकी ये हैं, तो ये इनकरेक्ट है आपका। अब क्यों इनकरेक्ट है वो देखिए, क्योंकि लास्ट वन जो आपका है वो भी आप उसके बाद भी कॉमा का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, इसीलिए कॉमा का यूज़ होगा। अगर लास्ट में आते होते तो कॉमा का यूज़ होता ही नहीं, फिर तो फुल स्टॉप का यूज़ हो जाता। तो मिड में आ रहे हैं वो, अगर ये सेंटेंस यहीं पर फिनिश हो जाता, बाई चांस हम सेंटेंस यहीं पर फिनिश करते, ये हम लास्ट में यूज़ करते कि अ बुक, अ पेन एंड पेपर, तो फुल स्टॉप आ जाता। अगर इसके बाद ये मिड में आ रहा है आपका, यानी ये जो लिस्ट है आपकी मिड में आ रही है, तो ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आपका कॉमा से एनक्लोज होता, और बीच में ये जो आपके हैं वो तो कॉमा से सेपरेट हो ही रहे हैं आपके, एंड के पहले भी। क्लियर है? तो ये आपका करेक्ट होता। यानी यहाँ से लेकर, ये लिस्ट है आपकी थ्री, और लिस्ट है तो कॉमा से एनक्लोज हो गया, और फिर लिस्ट आपके लिस्ट में आइटम्स हैं तो वो ऑलरेडी कॉमा से सेपरेट हो ही रहे हैं, और लास्ट वन के पहले कॉमा आ रहा है। तो अगर ऐसी कोई लिस्ट सेंटेंस के बीच में आता है, तो पहले तो आप सिंगल कॉमा से, यानी कॉमा से आप एनक्लोज करें, तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 12 देखिए। रूल नंबर 12 में क्या इन्होंने बोला है कि यदि कोई चीज़ और या कोई व्यक्ति इज सफिशियंटली आइडेंटिफाइड, अगर हम उसे पहले से जानते हैं, द डिस्क्रिप्शन दैट फॉलोज इज कंसिडर्ड नॉन एसेंशियल। यानी उसका आगे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो नॉन एसेंशियल है, यानी कोई काम का नहीं है, वैसे ही दे दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया है। एंड शुड बी सराउंडेड बाई कॉमाज, तो कॉमा का यूज़ करें, यानी आप एनक्लोज करें उसको। जैसे फ्रेडी, अब फ्रेडी को हम जानते तभी नेम ले रहे हैं। अब ये आपका नॉन एसेंशियल आपका फ्रेज है या क्लॉज है आपका ये, तो नॉन एसेंशियल आपका जो क्लॉज हो गया, तो इसको कॉमा से एनक्लोज करें, एनक्लोज हो गया। वॉज इन एंड ऑटो एक्सीडेंट, तो क्लियर हो गया। इफ वी ऑलरेडी नो
विच फ्रेड इज मीन्ड, यदि हमें पहले ही पता हो। इनका कहने का मतलब यह है कि फ्रेडी को हम पहले ही जानते हैं और ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है या नॉन इसेंशियल वर्ड्स यूज किया है या क्लॉज यूज किया है, तो अगर किया है तो आप कॉमा से एनक्लोज करें उस क्लॉज को या फ्रेज को या वर्ड को आप। क्लियर है? यही वही बात जो उन्होंने अभी तक कहते चले आ रहे हैं वही इन्होंने यहाँ फिर एक बार फिर रिपीट कर दिया है। अब यहाँ देखिए, यदि द बॉय, इसको हम नहीं जानते, इसके लिए हमें ज़रूरत है कि इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन क्लॉज लगाना चाहिए या वर्ड लगाना चाहिए या फ्रेज लगाना चाहिए जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए, तो हम कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे या कॉमा से एनक्लोज नहीं करेंगे उस फ्रेज या उस आपके क्लॉज को या उस आपके वर्ड को। क्लियर है आपका? अब देखिए कैसे, यहाँ थोड़ा सा देखना। अब द बॉय, हम बॉय को नहीं जानते, तो आप बॉय को जब नहीं जानते तो उसका डिस्क्रिप्शन आप दोगे कि कौन सा लड़का। तो द बॉय हु हैज़ अ लिम्प वॉज इन एन ऑटो एक्सीडेंट, यानी वो लड़का जो अभी लिम्प है यानी एक पैर खराब है उसका, तो वो कहाँ हुआ था, वॉज इन एन ऑटो एक्सीडेंट, एक ऑटो एक्सीडेंट में उस लड़के का पैर खराब हो गया था, वो अभी जो खराब है। तो कहने का मतलब ये, इस बॉय के बारे में हम नहीं जानते, या फ्रेड के बारे में तो हम जानते थे, यानी फ्रेड जिसे हम जानते हैं, पता है हमें, नाम पता है उसका, तभी तो, या जानते तभी तो उसका नेम ले रहे हैं हम। तो ये तो ये हु हैज़ अ लिम्ब यानी उसका एक पैर खराब है, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया। कौन फ्रेड भाई? ऑटो एक्सीडेंट में था, फ्रेड था वो ऑटो एक्सीडेंट में, ठीक है, लेकिन जिसका पैर खराब है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यानी नॉन एसेंशियल आपका क्लॉज है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लॉज है आपका, तो यहाँ आप कॉमा से एनक्लोज करें उसको, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका जो क्लॉज यूज हुआ है वो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते, यहाँ तो हम जानते थे तो हम इसको नहीं कर सकते। यानी अगर हम उसको नहीं जानते और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई क्लॉज या कोई फ्रेज यूज कर रहे हैं तो हम कॉमा से एनक्लोज नहीं करेंगे उस पूरे क्लॉज या फ्रेज को। क्लियर है? वी डू नॉट नो विच बॉय, क्योंकि यहाँ हमें नहीं पता वो कौन सा लड़का है। विदाउट फर्दर डिस्क्रिप्शन, बिना इसके हमें नहीं पता कि वो लड़का कौन है, तो इसीलिए हम नो कॉमा आर यूज, कोई कॉमा का यूज नहीं होगा। आगे देखिए, दिस लीड्स टू अ परसिस्टेंस प्रॉब्लम, अब ये समस्या बनी रहती है कहीं ना कहीं। देखो, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में और देख लो इसकी भी। माई ब्रदर बिल इज हियर, मेरा जो भाई, अब भाई तो पता ही होगा बिल है आपका, इज हियर, तो ये जो बिल है आपका, तो यहाँ क्यों यूज हुआ है, यहाँ इन्होंने क्यों यूज किया, इसका कुछ डिफरेंट सेंस है आपका। देखिए, अगर आप माई ब्रदर बिल यूज कर रहे हैं आप सेंटेंस के बीच में, ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा कि सी हाउ एडिंग टू कॉमाज चेंज द सेंटेंस मीनिंग, और ये दो सेंटेंस है आपका, एक तो ये हो गया सेंटेंस और एक सेंटेंस आपका ये हो गया, इन दोनों में क्या अंतर, दोनों सेंटेंस आपके सही हैं लेकिन क्या डिफरेंस है वो देखिए, इन्होंने क्या डिफरेंस बताया है, इन्होंने डिफरेंस ये बताया है कि केयरफुल राइटर्स, जो थोड़ा राइटर्स बहुत केयरफुल राइटर्स होते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसका सही यूज़ करते हैं, देखिए कैसे, और कोई रीडर्स होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, तो उसका ये थोड़ा सा सही यूज़ करेंगे आप। क्या यूज़ है वो देखिए थोड़ा, कि इन्होंने ये बोला है कि केयरफुल राइटर्स एंड रीडर्स अंडरस्टैंड दैट, वो ये समझते हैं कि द फर्स्ट सेंटेंस मीन्स, फर्स्ट सेंटेंस का क्या मीन है, फर्स्ट सेंटेंस का मीन है कि आई हैव मोर देन, आई हैव मोर देन वन ब्रदर, तो फर्स्ट सेंटेंस का मीन है कि मेरे एक से ज़्यादा भाई हैं, तो माई ब्रदर बिल इज हियर, मेरा भाई बिल यहाँ है और दूसरा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉमा से एनक्लोज नहीं कर रहे हैं इसको, तो कोई भी नेम आपका किसी भी टाइटल के बाद आ रहा है या किसी वर्ड के बाद आ रहा है, कोई आपका वर्ड, डिस्क्रिप्टिव वर्ड, तो आप उसको अगर कॉमा यूज़ नहीं कर रहे हैं
तो इसका ये मतलब है कि और भी पर्सन है, उसमें से एक जो है वो यहाँ है, यानी माई ब्रदर बिल इज़ हियर, मेरा भाई बिल यहाँ है, जॉन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये सेंस है कि उसके एक से ज़्यादा भाई हैं, उसमें से बिल यहाँ पर है। और अगर आप जो है कॉमा यूज़ कर रहे हैं, माई ब्रदर बिल इज़ हियर, अगर यहाँ हम बिल यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब है मेरा एक ही भाई है वो यहाँ है। माई ब्रदर इज़ हियर और माई ब्रदर बिल इज़ हियर, तो यहाँ बिल इन्होंने अगर कॉमा से एनक्लोज किया तो इसका मीन ये है कि मेरा भाई जो बिल है वो यहाँ है और वही मेरा भाई है इकलौता। तो देखिए नेक्स्ट इन्होंने ये बोला है कि द कॉमाज इन द सेकेंड सेंटेंस मीन दैट बिल इज़ माई ओनली ब्रदर। तो अगर ये सेपरेट है या एनक्लोज है कॉमा से तो इसका ये मतलब है कि मेरा केवल एक ही भाई है। नेक्स्ट आप देखिए, अब क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों फर्स्ट सेंटेंस में जो ऐसा क्यों हुआ है, जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका बिल इज़ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में आपका जो बिल है वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यानी वो ज़रूरी है बिल। इट आइडेंटिफाइज विच ऑफ माई टू ब्रदर्स आई एम स्पीकिंग ऑफ, क्योंकि उसमें ये पता करना ज़रूरी है कि जो मेरा भाई है, अब दो भाई हैं आपके तो आपको सेपरेट तो पता करना ही पड़ेगा कि कौन सा भाई यहाँ पर है, तो वहाँ बिल ज़रूरी है आपका। लेकिन सेकेंड में अगर आपका भाई एक ही है, उसका नाम बिल है और भाई एक ही है, तो आप जो है उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो यही उन्होंने बोला है कि बिल इज़ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तो ठीक है इसीलिए ज़रूरी है तो हम कॉमा का यूज़ नहीं किया। अब इट आइडेंटिफाइज विच ऑफ माई टू ब्रदर्स, कौन सा जो हमारे ब्रदर्स हैं, कौन सा भाई, यानी मेरा कहने का मतलब है कि उन दोनों भाई में से कौन सा भाई, तो बिल। अब दिस इज़ वाई नो कॉमाज एंड क्लोज बिल, इसीलिए हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे बिल को एनक्लोज करने के लिए। अब सेकेंड सेंटेंस में जो आपका बिल यूज़ हुआ है वो नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि भाई तो एक ही है, तो इसमें तो ये कहने की बात ही नहीं कि बिल मेरा भाई बिल यहाँ पर है, तो दूसरा है ही नहीं है, तो दूसरा कौन सा हो गया आपका, तो केवल बिल आपका एक ही भाई है, तो आप यहाँ बिल यूज़ आपका नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, होम एल्स और कोई है ही नहीं है बट बिल सिवाय बिल के, तो कुड आई मीन, तो इसका ये मतलब है हेंस द कॉमा, इसीलिए आप कॉमा का वहाँ यूज़ हुआ है। अब कॉमा मिस यूज इज़ नथिंग टू टेक लाइटली, अब ऐसा मत करना कि कॉमा का यूज़ कोई ये कुछ इसको कोई तुच्छ जीव मत समझना, कॉमा तुच्छ है भाई, तो लाइटली मत लेना कॉमा को। इट कैन लीड टू अ ट्रेन रैक लाइक दिस, नहीं तो आपकी ट्रेन जो है एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रेन का, यानी कहने का मतलब ये है कि अलग अलग कोलाइड हो जाएंगी ट्रेन आपकी, कोई दो ट्रेन आपस में जब क्रैश होती हैं तो आप ट्रेन रैक बोलते हैं, ध्यान रखना, नहीं तो आप गलत यूज़ निकाल दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखिए एग्जांपल उन्होंने दिया है कि मार्क, ये नेम है आपका, ट्वेंस बुक, ये मार्क ट्वेंस की जो बुक है, कौन सी बुक है, टॉम सॉयर, टॉम सॉयर आपकी ये बुक है, वो किसकी है, मार्क ट्वेंस की बुक है आपका, ट्वेंस की बुक है, कौन सी, टॉम सॉयर इज़ अ डिलाइट, बहुत मज़ेदार बुक है। तो ये आपका, ये टॉम सॉयर आपका जो है कॉमा से सेपरेट है, आपका एनक्लोज है आपका, तो इसका क्या मीन है, बिकॉज ऑफ द कॉमास, कॉमा अगर आपने यहाँ कॉमा यूज़ किया दोनों तरफ, दैट सेंटेंस इज स्टेट्स दैट के ट्वेन रॉट ओनली वन बुक, ट्वेन ने केवल एक ही बुक लिखी है, इनफैक्ट लेकिन हकीकत में रॉट मोर देन टू डजन्स ऑफ देम, लेकिन उसने तो दो दर्जन से ज़्यादा बुक लिखी हुई है, टू डजन से ज़्यादा बुक लिखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ कॉमा का यूज़ नहीं किया, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी एक ही बुक है, वो कॉमा का यूज़ आपने कर दिया वहाँ पर, तो
तो इसका मतलब है काफी बुक्स है अभी। अब बिकॉज ऑफ कॉमास, अब कॉमा के बाद जो जो स्टेट जो आपका सेंटेंस है वो ये बताता है कि केवल एक ही बुक लिखी हुई है। सॉरी मैंने थोड़ा डिफरेंट बोल दिया। कहने का मतलब ये कि अगर कॉमा यूज़ है आपकी तो समझ लेना कि उसने केवल यही बुक लिखी हुई है। अगर कॉमा यूज़ नहीं है आपका तो समझ जाइए कि एक से ज़्यादा बुक लिखी हुई है। तो यहाँ ये कहने का इनका सेंस है आपका। इस अगर सिचुएशन में कॉमा यूज़ आप करेंगे तो इसका मतलब है कि उसकी यही एक बुक है, यही लिखी हुई है उसने। अब रूल नंबर 13 ए देखिए, यूज़ कॉमास टू इंट्रोड्यूस और इंटरप्ट डायरेक्ट कोटेशंस। कोई कोटेशंस है यानी ये मार्क्स हैं आपके, कोटेशंस यानी जिसके जैसे वर्ड आप किसी ने बोले एक्चुअल उसी वर्ड्स को आप यूज़ करना है राइटिंग में। तो कोटेशंस में आप क्या कीजिए, वो सेपरेट कीजिए कॉमा से, यानी ये कोटेशन स्टेटमेंट है तो कॉमा से सेपरेट होगा। देखिए इधर, अब ऐसे ही आपका ये कोटेशन आपका वर्ड वो भी कॉमा से सेपरेट है आपका, उसके बाद आई आस्क्ड यूज हुआ है। इधर भी कोटेशन आपका है तो उधर भी सेंटेंस सेपरेट हुआ है। ये दोनों तरफ है तो दोनों तरफ आई आस्क्ड के बाद और पहले दोनों तरफ कोटेशंस हैं तो कॉमा से सेपरेट हुआ है आपका। अगर एक ही होता तो एक ही तरफ होता। दिस रूल्स इज ऑप्शनल विद वन वर्ड कोटेशंस। अगर आपका एक ही वर्ड कोटेशन है आपका, जैसे स्टॉप, तो एक ही वर्ड है यानी कोटेशन में एक ही वर्ड है आपका, तो ये ऑप्शनल है, यूज करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका एक एक वर्ड से ज़्यादा पूरा कोई सेंटेंस है आपका तो आप कॉमा यूज़ करें क्वोटेशन के पहले या क्वोटेशन के बाद दूसरे वर्ड से सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट आप देखिए 13th रूल क्या कह रहा है। इफ़ द क्वोटेशन कम्स बिफोर ही सेड, अगर कोई क्वोटेशन यानी किसी के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड क्वोटेशन मार्क्स जो आपकी ये कॉमा से आपको दिख रहे होंगे जो उल्टे कॉमा से यूज हुए हैं यहाँ पे आपके, तो एक जस्ट अ मिनट। हाँ तो यहाँ पर ये आपको यूज ये दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, तो उन्होंने ये बोला है कि ही सैड, अगर ऐसे कोई वर्ड से ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं उसके बाद कोटेशंस आ रहा है या पहले कोटेशंस आ रहा है तो आप क्या करें कि कॉमा का यूज करें, इवन इफ इट इज ओनली वन वर्ड, चाहे आपका एक ही वर्ड का हो। ठीक है, कौन कौन से वर्ड आपके यूज हो रहे हो, जैसे ही सैड, ठीक है, ही रॉट, क्लियर है, एंड ही रॉट हो गया, अब दे रिपोर्टेड, ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है, तो दे रिपोर्टेड, ठीक है, और इंसिस्टेड, ठीक है, डाना इंसिस्टेड, और सिमिलर ऐसे ही एट्रीब्यूशन आपके जो है कोटेशन मटेरियल विद अ कॉमा, तो ये कॉमा सेपरेट होंगे, इवन इट इज ओनली वन वर्ड, चाहे वो एक ही वर्ड का हो, क्लियर है। तो वैसे इन्होंने यहाँ ऊपर इन्होंने ऑप्शनल बोला है तो वन वर्ड में ठीक है इन्होंने ऑप्शन बोला, लेकिन अगर ही सैड यूज हो रहा है आपका और द क्वोटेशन कम्स बिफोर, और इसके पहले क्वोटेशन आ रहा है आपका यानी पहले अगर आए और ये लास्ट में यूज हो तो कॉमा से सेपरेट आप करें, और अगर ये वन वर्ड है आपका बाद में आ रहा है ही सैड के बाद में तो आप कॉमा ऑप्शनल है आपका, यूज करो या ना करो। तो रिपोर्टेड में अगर आपका ये आ रहा है, ये फ्रेजेस आ रहे हैं और क्वोटेशन पहले आ रहा है उनका तो कॉमा से सेपरेट जरूर होगा, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा, या वन वर्ड का है ही सैड ही यूज है, यहाँ भी वन वर्ड का ही सैड है, तो इन्होंने ये बोला कि अगर पहले आ रहा हो तो, बाद में आ रहा हो और एक ही वर्ड हो आपका क्वोटेशन तो आप कॉमा यूज करें या ना करें एक ही बात है, क्लियर है आपका। अब रूल नंबर 14th देखिए, रूल नंबर 14th क्या कह रहे हैं कि यूज अ कॉमा टू सेपरेट अस
स्टेटमेंट फ्रॉम अ क्वेश्चन। रूल नंबर 14 में इन्होंने बोला है कि आप एक कॉमा का यूज़ करें एक किसी भी स्टेटमेंट को क्वेश्चन से सेपरेट करने के लिए। देखिए कोई भी स्टेटमेंट है आपका, जैसे ये आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, कांट आई, क्या मैं नहीं जा सकता, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, या आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ, यानी कंफर्म कराने के लिए क्वेश्चन टैग। तो अगर किसी स्टेटमेंट के बाद कोई क्वेश्चन यूज है तो आप उसे कॉमा से सेपरेट करें, इनका ये कहना है। 15th देखिए, यूज अ कॉमा टू सेपरेट कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर सेंटेंस में कोई भी आपका अगेंस्ट दूसरी कोई बात कही गई है, कोई स्टेटमेंट के अगेंस्ट कोई बात कही गई है, दूसरे एक दूसरे को आइडियाज अलग अलग है, तो आप कॉमा से सेपरेट कीजिए। जैसे दिस इज माई मनी नॉट योर्स, यानी ये मेरे पैसे हैं आपके नहीं हैं, तो ये नेगेटिव सेंस, ये पैसे हमारे हैं आपके नहीं हैं, तो कॉमा से सेपरेट करें आप, इनका ये कहना है। यूज अ कॉमा टू सेपरेट कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। यदि कोई भी विरोधाभास दिख रहा हो आपको तो वहाँ आप कॉमा का यूज करें, कोई भी फ्रेज हो या आपका सेंटेंस हो। रूल नंबर 6 ये देखिए, यूज अ कॉमा बिफोर एंड आफ्टर सर्टेन इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। जैसे आपका नेम ली, जैसे इंट्रोडक्टरी कोई लिस्ट के पहले, या फॉर एग्जांपल जैसे कुछ एब्रिविएशंस होते हैं, जैसे ये स्टार्टिंग आपके कुछ वर्ड्स हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं आपके, और टर्म्स हैं आपके, जैसे ये आपका, और फॉर इंस्टेंस व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ आइटम्स, और इनके बाद कोई आइटम्स की सीरीज आ रही है भाई लिस्ट में, तो आप क्या करें उसके बाद कॉमा का यूज करें। देखिए इन्होंने यहाँ कॉमा का यूज किया है। एग्जाम्पल देखिए, यू मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मैनी आइटम्स, आपको जरूरत पड़ेगी इन आइटम्स को ले आने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग बैग्स हो गए, पेंस हो गए, एंड वार्म क्लॉथ्स हो गए। तो यहाँ देखिए इन्होंने यहाँ लिस्ट शो की है, किसके बाद, इंट्रोडक्टरी जो वर्ड है आपका फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद आपकी ये लिस्ट यूज हुई है, ये लिस्ट है आपकी यहाँ पर, तो ये आपकी लिस्ट है किसके बाद, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद, तो आप ये कॉमा यूज करें, ध्यान रखना ये इंट्रोडक्टरी जो या तो एब्रिविएशन हो या आपका कोई टर्म हो उसके बाद आप कॉमा यूज करें, लिस्ट से पहले और इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद, क्लियर है। रूल नंबर 16 देख लिए, ये लास्ट रूल से आई थिंक, हाँ, फिर सेमी कॉलन्स यूज होंगे आपके, उसका सेपरेट वीडियो होगा, ये काफ़ी लॉन्ग हो गया है। तो रूल नंबर 16 में क्या कहा है कि कॉमा शुड बी प्रेसीडेड, यानी पहले आएगा, कॉमा पहले आना चाहिए, देन द टर्म एक्सेट्रा, तो यानी कॉमा शुड बी प्रेसीड द टर्म एंड एनक्लोज इट इफ इट इज प्लेस्ड मिड सेंटेंस। अगर ये एक्सेट्रा या ऐसे ही कुछ आपके सेंटेंस है, एक्सेट्रा हुआ या ये हुआ आपका, यदि बीच में आ रहा है तो आप एनक्लोज करें, यानी दोनों तरफ यूज करें, एटसेट्रा के पहले भी बाद में, अगर ये लास्ट में आए तो पहले यूज करें कॉमा को, और अगर इसके बाद कोई लिस्ट है तो बाद में कॉमा यूज होगा आपका, क्लियर है। तो देखिए, स्लीपिंग बैग्स पैंस वार्म्स क्लॉथिंग एक्सेट्रा, दोनों तरफ यूज है आपका कॉमा, एक्सेट्रा के पहले भी बाद में, आर इन द टेंट, ये आपके टेंट में थे, ऐसी कुछ चीजें आपकी फॉर एग्जांपल टेंट में थी, ठीक है। अब नोट इन्होंने क्या बोला है कि एब्रिविएशन, जैसे ई आई इसका मतलब है दैट इज, इसका मीन है फॉर एग्जांपल, यार फॉर इंस्टेंस और फॉर एग्जांपल ये इंट्रोडक्टरी आपके फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं आपके, तो ये आपका यूज पूरा हुआ, कॉमास का यूज किसी कंडीशन में किया जाता है। Thank you all of you for watching this video, and please like the video and subscribe the channel. Thank you all of you. तो ये आपके कॉमास के यूज़ हो गए। Okay.